2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं न्यूज लॉन्ड्री की इस विशेष चुनावी कवरेज के लिए गोंडवाना के इस सुदूर इलाके में हूं, जहां के गांव में अब भी आजादी के 75 साल बाद आजादी का कोई अमृत महोत्सव नहीं मनाया जा रहा, बल्कि उनकी जिंदगी हजार मुश्किलों से घिरी है। वो इस संगीत से बहुत दूर है जो आप सुन रहे हैं, जो इनके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा बनाता है, लेकिन बड़े हिस्से पर जैसे ग्रहण लगा हुआ है। मंडला से कोई 100 किलोमीटर दूर मवई ब्लॉक के ये गांव गोंड और बैगा आदिवासियों समेत कई जनजातियों के घर हैं। शहरों में तरक्की का ढोल पीटने वाली सरकारें यहां अब तक साफ पानी और जरूरी इलाज की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाई हैं। अब ये तो पानी भी नहीं मिल पावे साहब, तंदित जाथन ऐसे कोड़ लेथन झिरिया तो हुआ के फिर पीथन फिर बड़ा मुश्किल से एक बड़े बहुत तो खत्म हो गए भाई, गाड़ी नहीं आवे तब खत्म है गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मात्र खेती कर रहे हैं, कब्जा जमीन है उनका, लेकिन आज दिन तक जो है उनको पट्टा नहीं मिला है। और यहाँ के कुछ बैगा भाई तो जेल तक भी गए हैं अपने जमीन के खाते। रामवती के बेटे सत्तू सिंह का कहना है कि आदिवासियों को वन अधिकार और जमीन पर जो हक मिलने चाहिए उससे वो यहाँ वंचित हैं। जंगल को पहले जमाना में हमारे दादी का जंगल है, बचा करके गया है, और अभी वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि हमारा जंगल है बराबर, उसमें निस्तारी नहीं करने देते हैं हमको। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास, आज 3 से 4 साल हो गए ये अधूरा पड़े, जिसके गवाह ये खुद बता रहे हैं कि ये जो है आज दिन तक इनका आधा पैसा मिला नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे बैगा परिवारों की जो एक गरीबी रेखा के तहत जो राशन मिलता है वो भी जो यहाँ पर राशन नहीं मिल रहे हैं। स्कूल थे सरकारी, वो सब बंद हो चुके हैं, पानी की कमियाँ हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने में दिक्कत जाता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, टीचर लोग कभी 11:30 बजे कभी 12 बजे आते हैं, तो इनको बोलने वाला कोई है नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के 10 साल बाद मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, जिसका काम था आदिवासियों के हालात पर अपनी रिपोर्ट और आगे की सिफारिशें देना। वेरियर ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन्हीं आदिवासियों के बीच गुजारा था और साफ तौर पर उनका ये मानना था कि अफसरों को आदिवासियों के जीवन और उनके रहन-सहन की कोई समझ नहीं है। उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनके अधिकार छीन लिए, उनकी कला को खत्म कर दिया, बल्कि एल्विन ने ये तक कहा कि शिकार पर पाबंदी लगाकर इन अफसरों ने आदिवासियों से उनका भोजन तक छीन लिया है। अरे घूम घूम के महुआ भी न भूख प्यास मान लेके हमला घाम भर में पानी नहीं मिला, आए गए हम तो महुआ बिन बहाए महुआ बिन के हम तो सुखाए के हम तो महुआ लाटा खावो रे। 70 साल के सिद्धू मरावी का दर्द है कि उन्हें अपनी जमीन का अधिकार तो मिला, लेकिन उनके प्रतिनिधि कभी इन इलाकों में झांकने तक नहीं आते। हम तो खावो महुआ लाटा ला भैया, हम तो खावो महुआ लाटा ला। तो आपके प्रतिनिधि आते ही नहीं आते हैं आपसे यहाँ, जो MP MLA सांसद चुनते हैं आप लोग, वो आते हैं आपकी? इधर नहीं आए अभी, अभी विधायक भी हमारा क्षेत्र घूम के नहीं देखा है। हाँ, कितना विधायक हो गया, कितना मुख्यमंत्री, कितना प्रधानमंत्री, जो मुख्य समस्या है साहब यहाँ ये क्षेत्र में, वो यहाँ नहीं आए हैं। उधर उधर देखते हैं जहाँ सब कुछ का तरक्की है, शहरी इलाके में जहाँ सब चीज का डेवलपमेंट है। मंडला का ये जिला अस्पताल कहने को तो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है,
लेकिन गांव में आदिवासी कहते हैं कि उन्हें किसी भी बेहतर इलाज के लिए जबलपुर या फिर नागपुर जाना पड़ता है। अगर अपन लोग यहां पे हॉस्पिटल हैं, अपने जिला में हॉस्पिटल हैं, यहां ले जाओ तो ये रेफर हॉस्पिटल है। यहां पे कहीं अगर ले गए अपन लोग मरीज को तो ये लोग सीधे जबलपुर नागपुर के लिए रेफर के लिए बोल देते हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे जिला में अच्छी हॉस्पिटल खोल दिया जाए और जितने भी इलाज हो तो यहीं पे हो, बाहर ना जाया जाए। मंडला की इस आरक्षित ट्राइबल सीट पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक ओंकार मरकाम के बीच प्रमुख टक्कर है। कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं। मरकाम 3 बार के विधायक हैं। यहां चुनावी संसाधनों के मामले में कांग्रेस की हालत पतली दिखती है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मरकाम के समर्थन में रैलियां की। उधर बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को धड़ाधड़ चुनावी सभाओं में उतार दिया है। आदिवासी कहते हैं कि सारा जोर प्रचार और चुनावों तक सीमित रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। मैं जहां तक जान रहा हूं कि विधायकों और सांसद का जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं आज दिन तक यहां देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी योजना सांसद फंड का योजना हो चाहे विधायक फंड का हो, यहां पर उनके तक मिलता ही नहीं है। वो फंड कहां जाता है क्या मालूम, जबकि हमारे गोंडही समाज का यहां पर विधायक बनते हैं, यहां पर सांसद बनते हैं, लेकिन 5 साल तक वो कहां जाते हैं, चुनाव के समय मात्र वो लोग दिखते हैं यहां पर। वोट तो ये है कि किसी दो को तो एक को देंगे देंगे वो, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो लोग कहां रह जाते हैं, मात्र वो दिल्ली भोपाल दिखता है उनको, हमारे गांव जो है नहीं दिखता। भारत में कोई 9% जनसंख्या आदिवासियों की है और संसद में 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। इनमें से करीब आधी सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। 1964 में वेरियर एल्विन के निधन के बाद भी सरकार ने आदिवासियों के बारे में पड़ताल करने और उनकी भलाई के लिए क्या किया जाए इस मकसद से आयोग और कमेटियां बनाने का सिलसिला जारी रखा। फिर 1990 के दशक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उदय हुआ, जिससे एक क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उम्मीद और बल मिला। लेकिन आज जब यहाँ चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक परिदृश्य से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गायब दिखाई देती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब से शुरू से आई है तो ये अपने दम पे नहीं आई है, इनके भीतर मतलब इनका जो काडर है उसमें एस्पिरेशन है कि भाई हमारे अनुसार पूरा चले, परंतु इनके जो लीडरशिप है वो किसी न किसी से बिक जाता है। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों को इस प्रकार से पोलराइज करने की ये हर पार्टी की राजनीति, आज बीजेपी की भी हुई है, पहले कांग्रेस की भी हुई थी। समाज के एक दूसरे वंचित वर्ग दलितों के मुकाबले आज आदिवासी काफी पीछे दिखाई देते हैं, चाहे पोषण का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या स्वास्थ्य का मामला हो, या दूसरे सूचकांक हो। एक कड़वा सच ये भी है कि देश भर की विकास परियोजनाओं में जितने भी लोग विस्थापित हुए उनमें 40% से ज्यादा आदिवासी हैं, और ऐसे हालात ने माओवाद जैसी विचारधारा को पनपने का मौका दिया है। आज जब आदिवासी नेता फल फूल रहे हैं और सत्ता के साथ करीबियां बढ़ा रहे हैं, उसी वक्त आदिवासी अपने भविष्य और आने वाली चुनौतियों को लेकर परेशान है। दिस इलेक्शन सीजन Your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.